हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार के कारणों को जानने के लिए शिमला में मंथन शुरू हो गया है। AICC द्वारा सांसद रजनी पाटिल और पूर्व सांसद PL पुनिया की 2 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा के लिए बनाई गई है, जो आज और कल चारों लोकसभा सीट के मंत्री, विधायक, संगठन के लोगों से बैठक कर हार के कारण ढूंढेगी और विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। बैठक में पहुंची कमेटी सदस्य रजनी पाटिल ने क्या कहा, सुनिए। और खासतौर पे हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने और राहुल जी ने खासतौर पे यहाँ पे भेजा है कि जो चार लोकसभा के चुनाव में पार्टी की जो हालत हुई है या पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें, तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, MLAs को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे, सबसे रूबरू होंगे और फिर हमारा रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। समीक्षा बैठक में पहुंचे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा, सुनिए। हाईकमांड के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई है और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर रहा, लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई, अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है और जो भी बातचीत होगी वो हाईकमांड के सामने रखेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह क्या बोली, देखें। हम इसको डिस्कस करेंगे और ये दोनों आए हैं, फाइट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, ये भी फाइंड आउट करने आए हैं कि क्या रीज़न रहे, क्यों हमने चारों लोकसभा सीटें हारी है, उस पर हमारा इनको फीडबैक होगा और ये जो हमारे ब्लॉक के और जिला के अध्यक्ष आ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे, सारे तथ्यों को लेकर ये हाईकमांड को अवगत करवाएँ और CM साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान दिया जाए। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।